मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। मैं अलग अलग देशों के बारे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी आपको नई नई देता रहता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इटली में कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों इटली यूरोप का बहुत ही रिच कंट्री है, और इटली में दोस्तों अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं तो इटली फैशन डिजाइनिंग में और कपड़े के व्यापारी हैं तो इटली आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है दोस्तों इस समय। दोस्तों इटली की जो राजधानी है वो है रोम। इटली यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, इसलिए इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो और इसकी लैंग्वेज है इटालियन। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि हम आप कपड़ा या फैशन डिजाइनिंग के लिए जो डिजाइनर कपड़े हैं वो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट है इस समय इटली। इटली में अगर आप फैब्रिक टेक्सटाइल और गर्म कपड़े अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट जगह है इटली आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों इटली में सब्जियों का निर्यात हम करते हैं, इंडिया करता है। सब्जियों में आलू प्याज टमाटर ये सारी सब्जियां, मूली गाजर ये सारी सब्जियां एक्सपोर्ट होती हैं। दोस्तों फ्लावर एक्सपोर्ट होते हैं, जो फूल हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों दोस्तों फ्रूट्स जो फल हैं आम अमरूद केला चीकू ये सारी चीज एक्सपोर्ट होती हैं। चीनी हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, जितने भी यूरोपियन कंट्री दोस्तों वहां चीनी चुकंदर से बनती है, और चुकंदर की जो चीनी होती है वो काफी पतली होती है, काफी छोटा उसका महीन दाना होता है। और हमारे देश में गन्ने से चीनी बनती है तो यहाँ से काफी चीनी बहुत रिफाइंड होके चीनी एक्सपोर्ट होती है। दोस्तों प्लास्टिक एक्सपोर्ट होता है, प्लास्टिक की बनी चीजें काफी एक्सपोर्ट होती हैं। दोस्तों इटली हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, दोस्तों इटालियन मार्बल इंपोर्ट करते हैं, इटालियन इटली से ऑटोमोबाइल की हम काफी चीज इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हैं। अब मैं कुछ इटली के आपको सी पोर्ट बताऊंगा जहां पर आप बहुत कम पैसे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सी पोर्ट है रावीना, सी पोर्ट्स है, काफी बिजी सी पोर्ट्स है, यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चाहिए कंटेनर के लिए बहुत बड़ा इनका इनका जो पोर्ट है बहुत बड़ा रावीना पोर्ट्स है, वेनेजिया पोर्ट्स है, बारी पोर्ट्स है, कैगलियरी पोर्ट्स है इटली का। तो यहाँ दोस्तों ये जो मैंने सी पोर्ट बताया यहाँ बहुत कम रीजनेबल प्राइस में आप अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों एयरपोर्ट्स जो इटली के हैं कुछ जिन पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी फैसिलिटीज दोस्तों है वो एयरपोर्ट्स है लियोनार्डो डा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये काफी बड़ा एयरपोर्ट है दोस्तों इटली का, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बहुत सारी फैसिलिटियां हैं लियोनार्डो डा विंची। दूसरा एयरपोर्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो है मेल पीसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तीसरा जो एयरपोर्ट्स है दोस्तों वो है परमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ये एयरपोर्ट्स जो है दोस्तों इस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कंटेनर फैसिलिटी है, कार्गो जो हमारे जाते हैं प्लेन, उनकी फैसिलिटी काफी अच्छी है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों इटली की कुछ मार्केट बताऊंगा, होलसेल मार्केट जहां पे आप जाके बायर और सेलर ढूंढ सकते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको कॉलिंग कोड बताऊंगा, दोस्तों जैसे आप बिजनेसमैन से बात करते हैं तो टेलीफोन का कोड क्या होगा, ये है दोस्तों कॉलिंग कोड है। इटली का जो कंट्री कोड है वो 39 39। इनके कुछ इटली के कुछ बड़ी बड़ी सिटीज हैं जिनमें एग्जीबिशन लगती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, उनके बारे में बताता हूँ, उनके कोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कैटिनिया जो सिटी कोड है वो है 095 095, और है ट्यूरिन का सिटी कोड है 011, और कोमो का सिटी कोड है 031। दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी सी पोर्ट्स के एयरपोर्ट्स के बारे में इटली के। दोस्तों ये समय 2020 का आप और आगे का समय इटली में आप ये याद रखें दोस्तों, अगर मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों काफी फ्यूचर है इटली में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। आप डिजाइनर कपड़े आप इटली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी और जेम्स जो पन्ना मूंगा जरकन से ज्वेलरी बनती है दोस्तों वो बहुत अच्छे आपको पैसे मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, काफी लाभ मिलेगा, मार्जिन बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स मैंने आपको बताए, सब्जियां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिब्बाबंद मीट है, डिब्बाबंद सी फूड है हम इटली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मार्केट्स, होलसेलर मार्केट्स हैं जहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काफी आपको बिजनेसमैन मिल जाएंगे। ये मार्केट है पोरेनाटो मोडा,
पुरनेटो मोडा इटालियन में दोस्तों इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पुरनेटो मोडा ये याद रखें। सेकंड है ये दोस्तों क्लोथ मार्केट है, वहां की फेमस होलसेल मार्केट है। सेकंड है डबल जे फैशन, ये दोस्तों ये भी क्लोथ मार्केट है। दोस्तों अब मैं एक फ्लावर मार्केट का नाम बता रहा हूँ जो इटली में काफी फेमस है, वो टोस्कैनो, टोस्कैनो फ्लावर मार्केट्स। आप यहाँ पे जाके एग्जीबिशन में जाके आप फ्लावर के बिजनेस से बिजनेसमैन से मिल सकते हैं और फ्लावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब नेक्स्ट जो मार्केट बता रहा हूँ वो फिर क्लोथ मार्केट है, वो है स्पाजियो रोमनीलिया, रोमनीलिया। तो ये क्लोथ मार्केट है दोस्तों। और फिफ्थ में जो मार्केट बता रहा हूँ ये है जीवन मोडा क्लोथ मार्केट्स। ये फैशन डिजाइनिंग में काफी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इटली में, और जेम्स एंड ज्वेलरी में काफी एक्सपोर्ट करते हैं, और भी काफी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं जो मैंने आपको बताई दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये जो सुप्रिया ग्लोबल एक्जिम कंपनी है ये देश के अलग अलग शहरों में और रेगुलरली दिल्ली के अंदर ये वर्कशॉप करवाती है, 2 डेज की वर्कशॉप ये करवाती है। दोस्तों पहले दिन इंडिया के रूल रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है, इंडिया में लाइसेंस कैसे लिया जाता है, इंडिया में कैसे आप प्रमोशन काउंसिल जो एग्जीबिशन बाहर के देशों में करवाती हैं, जो गवर्नमेंट की संस्था है उनका कैसे मेंबरशिप ली जाती है, और जो प्राइवेट संस्था भी काफी एग्जीबिशन करवाती है प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनके बारे में बताया जाता है। क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है हमारे को मेंटेन करने हैं यूरोप कंट्रीज में अपना माल भेजने के लिए। तो दोस्तों और हम आपको एक ऐसा डिजिटल प्रोग्राम देते हैं ताकि आप उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें दोस्तों, और ऑनलाइन खुद ही आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई करें, और जब आप ये सर्टिफिकेट बनेगा तो ये सारा दोस्तों आपके मेल पे आ जाएगा, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है। हम आपको कुछ दोस्तों डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं, सबसे बड़े बायर को ढूंढने के लिए और दोस्तों ये देखने के लिए बायर जेन्युइन होना चाहिए, ये हम डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बताते हैं। थर्ड फोर्थ दोस्तों सेकेंड डे, ये तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे हम जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के हम रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, कैसे आपको पैकिंग करनी है। दोस्तों पैकिंग भी बहुत मैटर करती है किसी चीज को सेल करने के लिए, तो कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है पैकिंग का, तो दोस्तों ये सारी चीज हम पैकिंग की हम अलग से आपको बुकलेट देंगे दोस्तों, कैसे पैकिंग करनी है ये दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों बेझिझक मुझसे मेरे टेलीफोन नंबर पे बात कीजिए दोस्तों, हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इस पर डायरेक्ट मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। हमारे पुराने वीडियोस जरूर देखें ताकि आपको दोस्तों इनकी यूरोप कंट्रीज में, एशिया की कंट्री में, अफ्रीका कंट्री में, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड में इनको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों हम बहुत कम पैसे से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे पास कई फोन आए उनमें ये बताया क्या एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, नहीं दोस्तों पैसे कम, नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज जरूर देखिए दोस्तों, और कोई भी कॉमेंट हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिखिए लिखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।